आज मैं आपको हक्का नूडल्स, मोमोज ये सब कुछ खिलाने वाली हूँ। अब ये देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि कुछ टेस्टी टेस्टी सा नया बनाया गया। ज्यादा किलोमीटर आगे चली जा रही है और मैं पीछे रह रही हूँ। मैंने यहाँ के काफी डीआईवाईज बनाए हैं जिसकी एक वीडियो आ चुकी है। बाकी ये इनका हाउस है, मतलब उनको आती है तो कम्प्लीट किया। और फिर आंगन के अंदर चौक भी बनाना था, लगी और याददाश्त के लिए मैंने डाल दी, तो आई एम सॉरी। ये हमारी वाणी है जो कि मेरी भतीजी है और काम में मेरी हेल्प करता रहता है। उस खेजड़ी से हम सांगरिया लेके आए, मतलब पापा लेके आए, मैं तो कल उधर से लाई थी। ये गाय घी, अरे वो घी लाना, बाकी तेजू भी यही था। बताना है कि यहाँ के DIY अगर आपको अच्छे लगे हैं तो कमेंट में आपको बताना पड़ेगा, मैं वापस पापा की दुकान में आके अफरा तफरी करूं या ना करूं। वैसे तो भाई देखो पापा की मर्जी पे, वो मना करेंगे मैं नहीं आ सकती, लेकिन अभी तो मैं आपकी तरफ से पूछ रही हूँ और मेरा खुद का भी आने का मन है। अब मेरा मन होने से कुछ होगा तो नहीं, फिर भी हम अपनी प्लानिंग तो कर ही सकते हैं। बाद में प्लानिंग फेल हो गई तो कोई बात नहीं। तुम ना लेना, मैं जाके आ रही हूँ तुम्हारी नाना की दुकान पे, वहां से कुछ बनाऊंगी DIY। यस, तो एक बज चुकी है, अब मैं निकलती हूँ। चश्मे चश्मे कहाँ लिए मेरे? स्कार्फ पहन लेते हैं, चश्मे ये रहे। मम्मी कौन गई? मम्मी गई, मेरा वेट तक नहीं किया, आऊं तो। भाई मेरा खुद का कोई काम होना तो कितनी भी तेज धूप हो, कितनी गर्मी हो, मैं बस निकल लेती हूँ और यहाँ जाती मैं कुछ भूल गई वापस आ गई। अरे दोपहरी में एक बजे ला रहे, कोई दुख बारी दोपहरी में एक बजे हम यहाँ वीडियो बना रहे हैं। पीछे मेरी चाची आ रही है, हम जा रहे हैं पापा की दुकान पे, कुछ बनाएंगे फिर शॉर्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। और ये चश्मे के बिना तो मैं चल नहीं सकती धूप में, अभी नज़र के चश्मे भी लगने वाले। वो है हमारा घर, ये मेरी चाची, कहाँ गई मम्मी और चाची आ रही है। तो हमारे गांव से जहां मैं जा रही हूं पापा की दुकान पे, वो 3 किलोमीटर है। अब हमारे गांव का नाम इतना प्यारा है, नाम है रंगवाली, यानी रंग ही रंग है जो दिखते नहीं है बस। और ये एरिया आ गया साता गांव का, जो कि हमसे 3 किलोमीटर दूर पड़ता है। बीच में एक बड़ा सा धोरा है और वो दूर दिख रहा, वहां तक हमें जाना है। मम्मी तो भाई धूप में जा रही है, लेकिन मेरे पैर थोड़े फंस रहे थे क्योंकि हम शहर में रहने वाले जो बन गए, बाकी हम इसी मिट्टी इसी रेत में लुट पुट के बड़े हुए हैं। बाकी इग्नोर माय पेटीकोट, क्योंकि मैं सिर्फ 2 पेटीकोट लेके जाती हूँ, वहाँ जाके भाभियों की ड्रेसें पहन लेती हूँ। अब ड्रेसें तो भाभियाँ दे देती हैं और पेटीकोट मैं भी नहीं मांगती हूँ, कि इतना भी गिरा हुआ नहीं होना चाहिए। अभी मम्मी भी गजब है, मेरे से आधा किलोमीटर आगे चली जा रही है और मैं पीछे रह रही हूँ। आगे जाके पानी पी के थोड़ा आराम करके फिर अपने काम से भी चली जाएगी। और ये जो हाथ में टिफिन लिए जा रही है ना, इसमें मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बताया था रोटी ले जाना भूल गए थे, फिर वो मेरे गले आ गई थी और मुझे शर्मिंदा होना पड़ा था। वैसे पापा की दुकान के 2 शॉर्ट्स तो आ चुके हैं, तो आपको पता ही है लकड़ी की दुकान है मेरे पापा की और यही काम करते हैं। और हाँ, मैंने कुछ ऐसा खरीदा है कि आज मैं आपको हक्का नूडल्स, मोमोज ये सब कुछ खिलाने वाली हूँ, तो चलो पहले वो दिखाती हूँ फिर वापस इसी व्लॉग में आएंगे। मैंने एक कमाल की चीज मंगाई है जिसको देख के बस दिल बाग बाग हो गया, ये है अगारो का मल्टी केटल पॉट। अब खाना बनाने से रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम्स तो ऐसे चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ये मल्टी केटल पॉट है और इसमें आप कुछ भी बॉयल कर सकते हो, स्टीम कर सकते हो और फ्राई भी कर सकते हो। ये आपको मिलेगा 2 पार्टीशन में, ऊपर वाला ये स्टीमर है जिसके ऊपर ट्रांसपेरेंट लिड है, तो इसके आर पार आप देख सकते हैं आपका खाना पक रहा है, तो कितना पका कितना नहीं पका इसके लिए आपको ढक्कन हटा के देखने की जरूरत नहीं है। सबसे खास बात, इस पॉट में फूड ग्रेड डबल लेयर बॉडी है जो कि बहुत ही मजबूत है। ये है मेन यूनिट जिसमें बॉयलर भी है, इसमें आप पानी बॉयल कर सकते हैं, चावल पका सकते हैं, नूडल्स पका सकते हैं। 2 हीटिंग मोड्स के साथ ये स्विच है, तो आप मीडियम या फिर तेज आंच पर आपका जो भी खाना पकाना है वो पका सकते हैं। साइड में 2 हैंडल दिए गए हैं जिससे हम इसको हैंडल कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। और पीछे की साइड में यहाँ हम कॉर्ड अटैच करेंगे लाइट वाली। तो चलिए कुछ बनाते हैं टेस्टी सा। अच्छी खासी लेंथ में आपको ये पावर कॉर्ड मिलती है, इसको अटैच करने के बाद हम लगा देंगे स्विच में और अब हम कुछ बढ़िया सा टेस्टी सा बनाते हैं। तो इसके लिए ये मैक्स लेवल जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है, अंदर मैक्स लिखा हुआ है, उसके ऊपर पानी या फिर जो भी बना रहे वो नहीं जाना चाहिए, तो मैंने मैक्स लेवल से थोड़ा नीचे वाटर रख दिया है। इसका इनर पोर्ट कैरामिक कोटेड है और वेरिएबल टेम्परेचर कंट्रोलर भी है, तो मैंने हीटिंग मोड सेकंड रख दिया है और यहाँ आपको इंडिकेटर लाइट भी दिख रही है। बस 10 मिनट वेट कीजिए, वाटर बॉयल हो जाएगा। पता नहीं कपू को ऐसा क्यों लगता है कि मेरे बिना बुआ का कोई काम कंप्लीट हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पर मुझे बता रहा है कि यहाँ लाइट हो रही है और जब मैंने आंखें दिखाई ना तब जाके यहाँ से हटा है। अब आप पावर ऑफ कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसी वाटर में कुछ और पकाना है, इसलिए मैंने फर्स्ट वाला मोड लगा दिया है और इसमें हम ये नूडल्स पकाएंगे। तो बस थोड़ी देर, 2 मिनट छोड़ना है और पक के रेडी हो जाएगी, एकदम बॉयल हो जाएगी। अब ये देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि कुछ टेस्टी सा नया बनाया गया। जी हाँ, दिव्या ने हक्का नूडल्स बनाया था और बहुत ही टेस्टी बना था, रेसिपी भी आपको मिल जाएगी, तो डोंट वरी। अब हम बनाएंगे वो जो सबके फेवरेट होते हैं, खास करके लड़कियों के, यानी कि मोमोज। तो आज हम मोमोज भी बनाएंगे और अभी आप देखना कैसे पक के रेडी हो जाते हैं। अब इस बात के लिए तो बिल्कुल मत डरना कि हमने चालू करके छोड़ दिया, हम भूल गए और ये ज्यादा गर्म हो गया, या कुछ बन रखा हुआ था वो जल गया, या फिर ये
फट गया ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें है ऑटो शट ऑफ बटन, जिससे जैसे ये ज्यादा गर्म होने लगता है ऑटो शट ऑफ हो जाता है। इसके साथ ड्राई बॉयल प्रोटेक्शन भी है। अब थोड़ा बहुत आपको भी इसका ख्याल रखना पड़ेगा, क्लीन करते वक्त इसको पानी में डुबोना नहीं है, बस पीछे से लाइट बंद करके थोड़ी देर रखना है और फिर साफ कपड़े से आपको पोंछ लेना है। अगर आप बाहर अकेले रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं या फैमिली के साथ भी रहते हैं, तो ये हर सिचुएशन में आपके लिए बेस्ट है। मेरा तो ये फेवरेट बन गया है और आपको भी खरीद लेना चाहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो हम आगे वापस अपने ब्लॉग में, मेरे मायके में, और मैंने यहाँ के काफी DIYs बनाए जिसकी एक वीडियो आ चुकी है, बाकी आने वाली बाकी है। तो फिर वेट कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो भी लाइक कीजिए। अब यहाँ काम करना मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी छुट्टियां होगी मैं 4-5 दिन के लिए जरूर जाऊंगी, ताकि मेरे मायके वाले मुझे हमेशा के लिए टाटा बोल दे। क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक निश्चित टाइम आने के बाद मायके में बिल्कुल उतना ही रुकना चाहिए जितना आपका काम है, उससे भी ज्यादा रुकना चाहिए ताकि सबका भला हो। अब यहाँ पर जो भी चीजें बनानी है ना, वो एकदम फ्री में बनती है और इजिली बन जाती है, क्योंकि काफी सारी चीजें तो कटी कटाई और बनी बनाई तैयार थी। और अब हम निकल लिए हैं टैक्सी लेके वापस घर को, मतलब भाई के घर पर। तो यहाँ से हमने बाजरी ले ली थी दोनों भाइयों के लिए, इसलिए टैक्सी भी लेनी पड़ी, बाकी तो हम पैदल ही चले जाते, क्योंकि पैदल तो हम जिंदगी भर यहाँ चले ही थे। तो ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं कि 3 किलोमीटर चल नहीं सकते, और यहाँ से रास्ता मुड़ के चला जाता है, यहाँ से फिर हमें जाना पड़ेगा 3 किलोमीटर। वो पीछे वाला वो तो एक्स्ट्रा था, ये घर आ गया भाई का, इससे आगे दूसरे भाई का घर है, और उससे और भी ऐसे लेफ्ट साइड में तीसरे भाई का घर है, और ये हमारी गाय वेलकम करने आ गई है, उसकी मम्मी और ये इनका हाउस। ऐसे करिए, ए पता नहीं कूद थी। ओ इसमें क्या है, ये बच्चा कौन है? ओ पासला यार, मेरी चुनरी फंस गई। खाने को क्या लाई? खाने को नानी के पास क्या है बताओ तो। पातल है आ पैरा दिन भली और फिर भी सूट पेली पर आओ। हदल बदल के पैरा उठ ले चल कपड़ा। मैं इधर क्यों ला मेरा लिए, मैं सुबह मेरी ड्रेस पहननी पड़ेगी। आप इधर से होगी? हां अरे आराम में उधर छुड़वा देना, चले जाना छोड़ो। फिर भाई नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं चली गई खेजड़ी पे सांगरिया लाने। तो सांगरी की हमारी सब्जी भी बनती है, और जो मैंने ढोकले बनाए थे शॉर्ट वीडियो आपने देखा होगा, उसमें भी हम सांगरी उसके ऊपर नीचे डाल के पका सकते हैं। बाकी जो बाजरी के ढोके होते हैं, यानी वो जो लकड़ियाँ होती है बाजरी वाली, उससे भी हम बीच में रख के बना सकते हैं, कुछ भी करके उसको बाफना होता है, उनको बाफणियाँ बोलते हैं। इसके बाद दिन में हम चल लिए मैं और कप्पू कहाँ पर, हाँ मेरी ताई जी के वहाँ पर जहाँ पर है गणगौर। तो यहाँ जाते ही हमने शुरू कर दिया है गणगौर का मांडना बनाना। इसके लिए हमने कलर भिगो दिया, जो भी थोड़े थोड़े घर में थे वही हमने भिगो के शुरू कर दिया, हमें बनाना तो आता नहीं था। उसके बाद हम खेजड़ी के नीचे गए जहाँ बात करते हैं, मतलब कथाएँ सुनाते हैं, कहानियाँ 4 या 5 ऐसे मतलब धर्म होता है ऐसे कहते हैं। तो उसके लिए हाथ में बाजरी लेके उसको भिगो के थोड़ी सी, और इस तरह हल जोतते हैं वैसे कुछ करते हैं। तो मैं और कप्पू भी कथा सुन रहे हैं और मम्मी कथा बोल रही है, मतलब उनको आती है, तो वो कहानी जो भी है। तो यहाँ पर ताई जी के और ताई जी की बहू के यानी मेरी भाभी के दोनों के गवर जिमा रहे थे ना, इसलिए देखो 16 और 7 यानी टोटल मिला के 24 महिला इसमें पार्टिसिपेट करती है। वापस आके हमने यहाँ पर मांडना कंप्लीट किया, और फिर आंगन के अंदर चौक भी बनाना था, तो वो चौक बनाना है जहाँ पर सूरज की पूजा होगी और वहाँ पर होगी गवर की पूजा। ऐसा कुछ है हमारा, काफ़ी डिफरेंट है, जो मैंने यूट्यूब में वीडियो में और लोगों के देखा वैसा हमारे नहीं होता है, ये बहुत ही अलग। ये सारी मेरी सिस्टर्स लगती है, और पहली बार मैंने ये गुस्ताखी की है कि इनको पूछे बिना ये क्लिप मैंने ऐड की है। इससे पहले तो कभी मैं क्लिप ऐसे ऐड करती नहीं हूँ, इस बार मैंने की है, तो मुझे डर भी बहुत लग रहा है कि इनकी तरफ से क्या रिएक्शन होगा। मतलब मेरे पे हमला भी बोल सकते हैं, धावा भी बोल सकते हैं, और हो सकता है कुछ भी ना बोले। तो अगर ज़्यादा कुछ हुआ ना, तो मुझे खतरा बहुत ज़्यादा है, और मैं ये माफ़ी चाहूँगी कि आगे से मैं कोई क्लिप नहीं डालूंगी। इन सबको ये बोलना चाहती हूँ, अगर कभी कोई डाली तो पूछ के डालूंगी। तो ये तो पता नहीं बीच में ऐड हो गई और मुझे बहुत सुंदर लगी और याददाश्त के लिए मैंने डाल दी, तो आई एम सॉरी, मतलब मुझे माफ़ कर दो, आगे से नहीं होगा। फिर मैं मेरे ताऊ जी के नहीं चाचा जी के वहाँ गई बिलोना करके आई दूसरे दिन, उसका वीडियो भी आएगा। और अब हम बनाएंगे ढोकला यानी बाफना। ये हमारी वाणी है जो कि मेरी भतीजी है और कप्पू की बहन है, बहुत क्यूट बहुत प्यारी सी है, और मेरी हेल्प कर रही है। यहाँ पर हमने पीछे पेड़ के नीचे वो बनाया चूल्हा, यहीं पर हम वो बनाएंगे ढोकला, जिसको ढोकलिया भी बोलते हैं, बाफना भी बोलते हैं, और हम ढोकला बोलते हैं। वैसे ढोकला तो वो गुजरात में वो वाले होते हैं, वो ये नहीं है। बाकी आपने शॉर्ट वीडियो देख ही ली होगी। सिर्फ और सिर्फ इस बच्चे को मेरी चिंता है और हर काम में मेरी हेल्प करता रहता है। तो ये जो बाजरी के ढोके होते हैं ना, उसके हमने नीचे ऐसे जाली बना के रख दी, ताकि ये बाफने पानी से ऊपर रहे, और पानी उबलता रहेगा, इसमें भाप बनती जाएगी और ये जो है स्टीम हो जाएंगे, और स्टीम होके इतने टेस्टी बनेंगे। गणगौर मना के आ गए, ये गांठ लगाई मैंने कहा लॉन्ग वीडियो मुझे रिकॉर्ड करना है। अभी मेरे को याद आ गया, गांठ खोल लूं। सुबह आई हूँ यहाँ पर, सांगरिया लेके आए पापा, फिर हमने बनाए ढोकले, मैंने कानों से निकाल दिए। चलो बताती मैंने कहाँ पर बनाए ढोकले, मैं आपको बता दूंगी। इधर हमने बनाए यहाँ पर, आज मैंने ढोकले बनाए ना, इसलिए वो मेरी सिस्टर चाची आन ताई आन आई हुई है। जाल के नीचे यहाँ पर हमने ढोकले बनाए, ये डोके अंदर लगाए थे,
वो है हमारी गैया का बाड़ा घर हाउस उधर, वो सर्दियों वाला हाउस उधर था, ठीक है। उस खेजड़ी से हम सांगरिया लेके आए, मतलब पापा लेके आए, मैं तो कल उधर से लाई थी, तो वो तो सूख गई, लू में सूख जाती है। अभी चूल्हा मैंने बनाया था सुबह, ये सारी यहाँ से मम्मी ने सफाई की, जाल के सारे पत्ते गिर गए थे, ये पड़े इतने सारे। चलो अब मैं नहा लेती हूँ, टाइम हुआ 12:30 और 3 बजे हमें जाना है गांव, वहाँ से बस जाएगी फिर अम्बाड़ में जाएंगे, मैं कपू, कपू की नानी, दिव्या, तेजस, सारे 3 दिन मौज मस्ती कर ली। बाथरूम वो सामने आपको दिखाऊं, इतने दूर बने हुए, वहाँ पर जाके मैं नहा लेती हूँ। ये देखो मैंने अपने DIYs ले लिए हैं, वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, तो आ रहे हैं, तब तक मैं जाल के नीचे ठंडी छाया में थोड़ा फूल करा लेती हूँ। मेरे पीछे चाचियाँ बहन दे कानों में कुछ, वहाँ जाके मैं तैयार होंगी छोटे भाई के वहाँ पे। वो मेरी ताई जी, माय डियर ताई जी, छोटी गऊ माता हमें छोड़ने के लिए बस पे चल रही है, ये ड्राइव करेगी गाड़ी को, है ना तेजू, ये हमारी गाड़ी को ड्राइव करेगी, दोपहर के 2 बजने वाले हैं। ओए ये डर रही है क्या, गाड़ी ड्राइव करेगी, ये इसकी मम्मी जी आ रही हैं, वो मेरी रिश्तेदार मैं तातियां ताइयां बहना जा रही है सारी, कपू आ रहा है, तेजू घी वाली बहन लिया ना आयत पड़ी, कहाँ जा रहा कपू, बाद मिल जा रहा कपू, बाद मिल जा रहा, ये गाय घी, अरे वो घी लाना, लेके आएंगे पापा लाएंगे, घी के बिना काम नहीं चलेगा पहरे। दादी पोता जय बाबा जी करके आ रहे हैं, मुझे लग रही है धूप तेज वाले, तैयार होना जाके, ये हमारी जाले आपको दिख रही है, इन जालों पे पीलू आएंगे अभी तो 15-20 दिन में, फिर ये लाल, किसी पे लाल आएंगे, किसी पे पीले कलर के आएंगे, किसी पे भूरे भूरे ऐसे आएंगे कलर के, 3-4 कलर के पीलू आते हैं यहाँ पे, एकदम गोल गोल कलरफुल रंग बिरंगे मोतियों के जैसे। और आज इस ड्रेस में मैं कितनी ज़्यादा भद्दी दिख रही हूँ, बाय गॉड मुझे खुद ही अच्छी नहीं लग रही हूँ। तो हम आ गए कपू के ढाणी से, कपू के चाचू के ढाणी, कपू के चाचा चाची दिव्या जब से आए हैं यहीं थे, तेजू अभी आया था वहाँ पे हमें लेने के लिए, बाकी तेजू भी यहीं था, मैं थी जो ढाणी ढाणी भटक रही थी घर घर। ये है, वैसे मेरे 3 भाई एक बाड़ में रहते हैं, 2 यहाँ पर, एक घर उधर, एक ये। आगे चले गए हैं काफी लोग, चल कितना हारा है दिव्या तेरा टंग लो आगे। चलो भाई अभी के लिए करते हैं टाटा, और सातागांव जाके हम बस में चढ़ेंगे 3 बजे, और इस बस ने 5 घंटे ले लिए, जो कि 2 घंटे में हम जाते वक्त गए थे गाड़ी में, और वापस आते वक्त बस ने लिया 5.25 घंटे। हमारी क्या हालत हो गई थी हम किसी को बता नहीं सकते, बस